आपके यहाँ पे लाइट की समस्या कब से है? हमने तो लाइट देखी नहीं है, जन्म से ही जन्म लिया तब से ही कि लाइट कैसी हो। हमारे पुरखे भी ने भी लाइट नहीं देखी है कि लाइट कैसी होती है। आज हजारों साल से हमारा डांग क्षेत्र में निवास कर रहे हैं हम, लेकिन लाइट एक हमारा सपना बना हुआ। आपके अंतर्गत कितने गांव आते हैं जिनमें बिजली नहीं है? हमारी पंचायत समिति के अंतर्गत 25-30 गांव ऐसे हैं जिनमें आज तक भी बिजली नहीं है। पानी की दिक्कत आती है, बोर सक्सेस नहीं होते, बिना बिजली के बोरों में बोर नहीं खोदा पाते यहाँ के लोग। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और यहाँ की लेडीज़ें हाथों से चक्की चलाकर आटा पीसती है और 6 किलोमीटर दूर आटा पसाने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ केवल मोबाइल भी चार्ज नहीं होता है। कहाँ पे आए हो आज आप? के घर पे आए हैं हम चार्ज लगाने। तो उनके घर पे क्या बिजली है? वैसी लाइट है, सूर्य लाइट है, एक घर पे लाइट है, यहाँ पे आते हैं हम चार्ज लगाने। तो ये आपको चार्ज करने देते हैं? हाँ, कर लेने देते हैं। तो और क्या क्या चीज चार्ज करते हो यहाँ पे आके आप? मोबाइल में चार्ज है, पे ही करते हैं सब। नीचे जाते हैं चार्ज करने। तो वहाँ पे कैसी लाइट है नीचे? तो बिजली है नीचे। तो कितनी दूर है वो? 4-5 किलोमीटर है। अब तक आपने क्या प्रयास किए हैं बिजली के लिए? अब तक मैंने कई बार कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे दिया है। अभी 8 दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया रोड लाइट बिजली मूलभूत सुविधाओं के बारे में। उनका पूरा डिटेल मेरे पास है, पूरी विद डिटेल फोटो सहित मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजा। प्रधानमंत्री जी का कहना तो है कि 100% गाँवों में बिजली है, तो आपका क्या कहना है उसमें? मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर गांव में बिजली है, क्या ये गांव जो मैं बोल रहा हूँ ये गांव भारत में नहीं है क्या? इन गांवों में बिजली होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इन गांवों में बिजली जल्दी से जल्दी पहुँचाई जाए। सुनीता कसीरा, इंडिया अनहड़ के लिए।